आई थिंक ए ग्रेटर देन जीरो के ग्राफ मैंने सभी डिस्कस कर दिए थे। अब ढंग से फोकस करना, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्विवेलेंट है, y प्लस डी वाई फोर ए एक्स प्लस बी वाई टू ए का होल स्क्वायर। क्योंकि a लेस देन जीरो के ग्राफ मैं थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना और कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं होगा, जल्दी जल्दी से बनाए जाएंगे। ध्यान से देखना, अगर a लेस देन जीरो है तो a क्या डिसाइड करता है, द ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो कोई भी केसेस हो, वी आर डिस्कसिंग ए लेस देन जीरो, तो ए लेस देन जीरो के लिए ग्राफ कैसे होंगे, ओपनिंग डाउनवर्ड। नाउ हर केस में वर्टेक्स कितना होता है, माइनस बी वाई टू है माइनस डी वाई फोर है, आपको तो मना नहीं है, ध्यान से देखना। तो अगर डी लेस देन जीरो है मेरे पास, तो इसका डी लेस देन जीरो ओनली का कंक्लूजन क्या होता है, रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आर नॉन रियल एंड ए लेस देन जीरो इट मीन्स y इज नेगेटिव फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R, मतलब x एक्सिस से नीचे ही होगा ग्राफ, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो a लेस देन जीरो d लेस देन जीरो ये कंफर्म हो गया है कि y इक्वल टू जीरो लाइन है, इससे ऊपर हमारा ग्राफ कभी भी नहीं जाएगा। अब जो सबसे आसान लग रहा है उसे मैं सबसे पहले बनाऊंगा, b इक्वल टू जीरो होगा तो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कितना आया, अरे b इक्वल टू जीरो होगा तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना आया, जीरो, माइनस बी वाई टू ए होता है ना। तो इट इज द केस व्हेन a लेस देन जीरो d लेस देन जीरो एंड b इक्वल टू जीरो, तो वर्टेक्स कहां पे आएगा, इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ होगा पैराबोलाइक, गॉट इट। एंड व्हेन a ग्रेटर देन जीरो आई एम डिस्कसिंग द साइन ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ साइन ऑफ वर्टेक्स, तो वो क्या होगा, माइनस बी वाई टू ए। क्या विचार है इसके बारे में आपको, b ग्रेटर देन जीरो के लिए कैसा लग रहा है, ये लग तो नेगेटिव रहा है लेकिन नेगेटिव है नहीं, है कैसा, ये पॉजिटिव, क्योंकि a के साइन को मिला के ये कैसा हो जाएगा, a के साइन को मिला के कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्टेक्स यहां कहीं आएगा, लाइक इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा ये, एंड जब मेरे पास b लेस देन जीरो होगा तो माइनस बी बाई टू ए, सबके सब निगेटिव हो गए और एक निगेटिव एक्स्ट्रा है ही है, तो ये निगेटिव ही रहेगा, तो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ आ जाएगा। इन तीनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि y इज निगेटिव फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज माइनस डी वाई फोर ए, गॉट इट। समझ गए ना, ये बना तो लो, आ गया है, आपने ट्राई किया था नहीं आया है, लेकिन ये तो जरूर लिख लें आप। समझ गए, हैं? एक नोट लिखो इन तीनों केसेस के लिए, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड फॉर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ a लेस देन जीरो, इफ a लेस देन जीरो एंड d इज ऑल्सो लेस देन जीरो एंड d इज ऑल्सो लेस देन जीरो, y इज नेगेटिव फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R, y इज नेगेटिव फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R।
एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई ऑब्टेंड इज माइनस डी वाई फोर ए, इज माइनस डी वाई फोर ए. समझ गए, बना लिए है. मैक्सिमम वैल्यू वाई की कितनी आ रही है इस पॉइंट के लिए, एक्स के लिए मैक्सिमम ही आएगा ये वाई. समझ आया कि नहीं है? अरे कुछ तो बताओ. समझ आ गया? यस ओके. अगेन थोड़ा सा फास्ट जाएंगे. अब ए लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, इसके लिए बात करेंगे. तो ध्यान से देखना मैं कितनी जल्दी बनाता हूं. क्यों? डी इक्वल टू जीरो से ओनली मेरे पास कंक्लूजन क्या आ जाता है, एक्स एक्सिस क्या होगी, टेंजेंट. अब ध्यान से देखना, बी से मैं माइनस बी बाई टू पे पहले ही चेक कर चुका हूं. तो और बी ग्रेटर देन जीरो होता है तो वर्टेक्स कहां पे आता है, पॉजिटिव होता है. बी ग्रेटर देन जीरो में वर्टेक्स कैसा होता है, पॉजिटिव. बी इक्वल टू जीरो में वर्टेक्स कैसा होता है, जीरो. और बी लेस देन जीरो में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, निगेटिव. समझ गए ना? तो इट इज द केस. एक मेरे पास ये बन गया, बहुत ध्यान से देखना. एंड हियर समझ गए ना? ये जीरो जीरो है, ये वाला पॉइंट, ये जीरो जीरो है एंड इट इज जीरो जीरो. समझ गए? इसके लिए नोट मैं लिखा नहीं रहा हूं, नोट नहीं करवा रहा हूं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि y इज नेगेटिव फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r एक्सेप्ट माइनस बी वाई टू ए. एट x इक्वल टू माइनस बी वाई टू ए y इज जीरो. समझ गए ना? माइनस बी वाई टू ए का साइन इस केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इस केस में जीरो होगा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, और इस केस में कितना होगा, नेगेटिव होगा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट. गॉट इट? ठीक है ना? तो ए लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो से हमारे पास कंक्लूजन आ जाना चाहिए कि वाई कैसा होगा, नेगेटिव फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई टू ए वाई इज जीरो. समझ गए? आ गया, आया कि नहीं? अरे भाई यस भी बोलना रहता है. समझ आ गए? ओके, नोट कर लिया. यस, नाउ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, हो सकता है ज्यादा केस बन जाए. डी ग्रेटर देन जीरो है, बनाते हैं इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बनाना पड़ेगा भाई. ये अब बाई चांस जरूरत पड़ी तो ज्यादा ग्राफ भी बना लेंगे. देखिए यार, मेरे पास अगर बी पॉजिटिव होता है तो वर्टेक्स कैसा होता है, पॉजिटिव. तो तीन पॉसिबल केस पॉसिबल हैं. वर्टेक्स तो यहां पे आ गया, डी ग्रेटर देन जीरो तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये कैसा हो सकता है, इसमें अंतर क्या है, सी कैसा है इसमें, पॉजिटिव है, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है. ये कैसा हो सकता है, सी इक्वल टू क्या है इसमें, जीरो है. और एक ऐसा भी हो सकता है इसमें सी इक्वल टू क्या है, लेस देन जीरो है. बाकी सभी कंडीशंस वैलिड हैं, ए लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो. इन तीनों में बाकी सभी कंडीशंस वैलिड हैं, सी पर डिपेंडिंग डिफरेंट केसेस बन गए. समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? ए ग्रेटर देन जीरो के लिए जैसे बताए थे ना, सेम इज देयर. एक और बना लेते हैं तो काम चल जाएगा अपना. अगर b इक्वल टू जीरो होगा तो नो प्रॉब्लम, वर्टेक्स वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही केस बनेगा. अच्छा इसमें c का साइन कैसा होगा? अरे c क्या होगा यार, पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी बाई टू ए के बराबर होगी. अगर b लेस देन जीरो होता है मेरे पास तो इसके साइन भी अगेन तीन पॉसिबिलिटीज हैं, c पर डिपेंडिंग. वो क्या है,
सी पॉजिटिव भी हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है और सी लेस देन जीरो भी हो सकता है। सी मतलब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, समझ गए ना, गॉट इट। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने सभी क्वाड्रेटिक ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इन ग्राफ को देख के आपको एबीसी का साइन डिसाइड करना आना चाहिए और अगर इनके साइन हमें मालूम है तो ग्राफ को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। इसके अलावा दो तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो आपको ध्यान ही रखने हैं। ये बना लिए गए, बना लो पहले फिर मैं वहां बताता हूं। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ याद होने चाहिए और ऐसे याद होने चाहिए कि रिप्रोड्यूस करने में फ्रैक्शंस ऑफ माइक्रोसेकेंड लगें। माइक्रो समझते हो ना, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड नहीं, फ्रैक्शंस ऑफ माइक्रोसेकेंड। तो रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट होने चाहिए। सी वाली कंडीशन में क्या है, एफ एक्स अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, सी। तो पहले वाले में क्या दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ जीरो कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है मेरे को, इसलिए सी पॉजिटिव कर दिया है, सी पॉजिटिव। यहां पर जीरो हो रहा है इसलिए सी इक्वल टू जीरो, यहां पर एफ ऑफ जीरो नेगेटिव हो रहा है इसलिए सी नेगेटिव कर दिया, समझ गए ना। बट मतलब ए लेस देन जीरो, डी लेस ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो से तो क्या आ रहा है, वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के नेगेटिव होने के साथ साथ इन वो तो तीनों में ही वैलिड है, सी पर डिपेंडिंग ऐसे तीन केसेस पॉसिबल हैं, समझ गए ना। मतलब कैसी बातें पूछता है यार, है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो एक्स को जीरो रख रहा है तभी तो सी आ रहा है यार, तो कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जाके मिल जाते हैं, तुझे बस यही अच्छा लगता है, ये जीरो जीरो पे जाके एक्स एक्सिस पे भी मिल सकता है, मीटिंग पॉइंट मतलब सही लगता है तेरे को, समझ गया ना, समझ तो आ गया। ओके, आपको क्या क्या बातें एकदम तेजी से जल्दी से स्ट्राइक करनी चाहिए, मैं ज्यादातर नोट करा चुका हूं लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से सुनिए आप एक बार दोबारा से। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये हमेशा एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला साइड ओपनिंग अपवर्ड साइडवर्ड नहीं होगा, ओपनिंग साइडवर्ड नहीं होगा, ओपनिंग ऑब्लिक नहीं होगा लाइन, ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। और ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड है उसको डिसाइड करने वाला कौन है, साइन ऑफ a, समझ गए। अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड और a नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड, चाहे ओपनिंग अपवर्ड हो चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड हो। जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होते हैं, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, ये कभी नहीं भूलना। अगर मैं डीपर डिपेंडिंग बात करूं तो d लेस देन जीरो है तो मुझे मालूम है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल। लेकिन अब आपको दो बातें साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या क्या, एक इसके रूट्स नॉन रियल होंगे और अगर हम वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ कैसा होगा, या तो अबव एक्स एक्सिस होगा या बिलो एक्स एक्सिस होगा, मींस या तो वाई एक्स की हर वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा या वाई एक्स की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन। अगर ए पॉजिटिव है तो वाई एक्स की हर वैल्यू के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ए नेगेटिव है तो वाई एक्स की हर वैल्यू के लिए कैसा होगा, नेगेटिव होगा, समझ गए ना। इन केस डी इक्वल टू जीरो है तो एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाएगी, रूट्स रिपीटेड होंगे, वाई की वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव होगी एक्सेप्ट माइनस बी वाई टू ए मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, या वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई टू ए, डिपेंडिंग ऑन अगेन ए। अगर ए पॉजिटिव है और डी इक्वल टू जीरो है तो वाई इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई टू ए, एंड इफ
a इज लेस देन जीरो देन y इज नेगेटिव फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r एक्सेप्ट एट x इक्वल टू माइनस b बाई टू ए फॉर दिस वैल्यू y इज जीरो. समझ गए ना. इन केस d ग्रेटर देन जीरो एंड a पॉजिटिव है तो ये भी हमें दिखाई देना चाहिए कि अल्फा से बीटा के बीच में y नेगेटिव होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा. तो दो रूट होंगे ही होंगे. अल्फा के बीच बीटा के बीच में कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा. और माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फाइनाइट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इन केस ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो है तो अल्फा से बीटा के बीच में वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. और माइनस इन्फाइनाइट से अल्फा नेगेटिव और बीटा से इन्फाइनाइट नेगेटिव. समझ गए ना. अगर रूट्स की हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक की ग्राफ हम आसानी से बना ही सकते हैं. और सी भी क्या होता है, सी एफ ऑफ जीरो होता है. ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, एफ ऑफ वन. मतलब ये सारी बातें हैं. तो मुझे लगता है क्वाड्रेटिक के ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम्स उन्हें आप कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आ गया है? कोई डाउट सही तरह से आ गया ना ये? अब देखें अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं. लिखो यार, एक प्रॉब्लम लिखो, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं कुछ क्वाड्रेटिक के. ओनली ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वाई एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वाई इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ वन क्लोज टू थ्री क्लोज. ध्यान से देखना. मैंने क्या किया कि यार वर्टेक्स निकालने का भी मन नहीं था मेरा, तो मैंने एक्स एक्स माइनस थ्री कर लिया. वर्टेक्स भी निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. जब मैंने ऐसे किया तो मुझे ग्राफ बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई. लाइन का ग्राफ बना रहा हूं क्या? नहीं, ये बना दिया है. ठीक है, अब क्या किया मैंने, ये बना दिया. वाई एक्सिस जीरो जीरो रूट है, एक जीरो रूट आया, एक थ्री रूट आया, ऐसा कुछ बना दिया. ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट होगा ये थ्री बाई टू होगा. वैसे भी अगर हम वर्टेक्स निकालें तो एक वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस बी बाई टू ए. तो कितना आएगा, थ्री बाई टू. वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस डी बाई फोर ए. तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, नाइन. माइनस जीरो आ जाएगा और अपॉन क्या होता है, फोर. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं, सही है ना, थ्री बाई टू कॉमा नाइन बाई फोर. ये तो ग्राफ वाला बात हो गई, माइनस नाइन बाई फोर, सही है, ओके. लेकिन मेरा टारगेट क्या है, ये मेरा एक फर्स्ट पार्ट था प्रॉब्लम का, लेकिन दूसरा पार्ट भी था. अब मुझे इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, जब एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, वन से थ्री, तो वही वन यहां कहीं होगा. वन पे वैल्यू कितनी आई, माइनस टू आ गई भाई, वन पे माइनस टू आ गई. तो क्या हुआ इसके संग, ये कम होना शुरू हुआ और कहां तक कम हुआ, माइनस नाइन बाई फोर तक. उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया और कहां तक जाके बढ़ा, जीरो तक. तो जो सेट होता है, कभी भी एक सेट होता है उसमें एक वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है. तो हो क्या रहा है, पहले यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, ऐसा कुछ हो रहा है. तो ओवरऑल जो वेरिएशन है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई, माइनस नाइन बाई फोर, और उसके बीच की सभी वैल्यूज ऑब्टेंड हुई हैं. तो इस एक्स के लिए वाई का वेरिएशन कितना होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, वाई इज एलिमेंट ऑफ माइनस नाइन बाई फोर टू जीरो क्लोज. गॉट इट, समझ गए ना.
ओके मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? माइनस बी बाई ए. और अल्फा प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा बाई टू माइनस बी बाई टू है. तो रियल हो चाहे इमेजिनरी, सम ऑफ रूट बाई टू क्या होता है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट. समझ गए? नेक्स्ट लिखो. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड फाइंड वेरिएशन ऑफ वाई एंड फाइंड वेरिएशन ऑफ वाई इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ जीरो क्लोज टू थ्री क्लोज. ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं और आप लोग ट्राई करिए, इसे फिर मैं डिस्कस करता हूं. आ गया? देखिए चलिए, वर्टेक्स कितना आ रहा है इसका? वर्टेक्स निकालना ही पड़ेगा यार. माइनस बी बाई टू ए मीन्स वन. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? एक्स बी कितना होता है? माइनस बी अपॉन टू ए. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? वन. सही है. वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? माइनस डी वाई फोर ए. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है क्या? वन वाई फोर आई है क्या? ओके वन वाई फोर. वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? हा क्या प्लस आएगा यार? ये कितना आ रहा है बताइए? माइनस टू ए फोर, मतलब फोर इंटू टू माइनस, और बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कितना आ रहा है? वन प्लस एट, नाइन बाई एट आ रहा है क्या? है ओके. ओपनिंग कैसा होगा ग्राफ? डाउनवर्ड. ऐसा कुछ आएगा, एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ये मैंने पता लगा लिया. वर्टेक्स कितना है अपना? वन बाई फोर कोमा नाइन बाई एट. थोड़ा सोचना पड़ता है यार, जादू से तो कुछ होता नहीं है. प्रोडक्ट कितना आया? प्रोडक्ट ऑफ रूट आसानी से दिखाई दे रहा था, माइनस वन बाई टू आया. और सम ऑफ रूट कितना आया? वन बाई टू आया. तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, सम पॉजिटिव आ रहा है. तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो. पॉजिटिव वाला ज्यादा है कि नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला. समझ गए ना? ध्यान से देखना. लेकिन मुझे वेरिएशन कब निकालना है? जब एक्स कहां से कहां तक जा रहा है. तो जीरो पे वैल्यू कितनी आई है? वन. ओके और फिर बढ़ती गई, नाइन बाई एट तक बढ़ी है भाई. गुड. थ्री पे जाके वैल्यू कितनी आई है? थ्री पे आएगी मेरे पास नाइन और माइनस एटीन प्लस थ्री प्लस वन. थ्री पे जाके तो बहुत निगेटिव आ गई यार. थ्री पे जा रही है थ्री कॉमा
माइनस वन फोर, सही है क्या? है? सही है, तो मिनिमम वैल्यू वन नहीं आई, मिनिमम वैल्यू आई माइनस वन फोर और मैक्सिमम वैल्यू आई नाइन बाई एट, इट इज द करेक्ट वेरिएशन। है सही है कि नहीं? गुड, सही है। नेक्स्ट लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन एंड फाइंड वेरिएशन ऑफ वाई इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ जीरो क्लोज टू वन क्लोज। अब ये तो अपने आप करना है और करेक्ट करना है, वो भी टिल आंसर तक, फिर मैं बताऊंगा। आ गया, बताइए वर्टेक्स एक्स भी कितना है? ओपनिंग अपवर्ड होगा, एक्स भी कितना है? माइनस वी बाई टू ए, इट मीन्स सेवन बाई फोर। वाई भी कितना है? माइनस डी बाई फोर ए, वन बाई एट। डी की वैल्यू कितनी आई है? बी स्क्वायर, फोर्टी नाइन माइनस फोर ए सी, दैट इज एट, तो माइनस फोर्टी वन बाई एट। तो जीरो पे वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव है। ओपनिंग अपवर्ड होगा, ऐसा आएगा ग्राफ, वर्टेक्स है सेवन बाई फोर कॉमा माइनस फोर्टी वन बाई एट। बड़ा धुरंधर आया यार, ये वाला पॉइंट कितना है? जीरो कॉमा वन। ओके, लेकिन इसे ऑब्जर्व किसमें करना है? व्हेन एक्स गोज फ्रॉम जीरो क्लोज टू वन क्लोज, तो जीरो पे वैल्यू वन आई, वन पे कितना आ रहा है यार? वन पे निगेटिव आ रहा है क्या? यस, वन पे आ रहा है माइनस फोर, तो इसमें डिक्रीजिंग ही था। वेरी गुड, हो गया ये तो, अच्छा हो गया माइनस फोर। तो आंसर कितना आया? वेरिएशन कितना आ गया? माइनस फोर क्लोज टू वन क्लोज। गॉट इट? है? यस, अरे भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट भूल गए क्या? एक्स और वाई, कैसी बातें करते हो यार। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? सेवन बाई फोर है। मुझे कहां तक जाना है? बस वन तक। वन पे वैल्यू कितनी आई है? वन सेवन बाई फोर से कम होता है ना, तो इसमें तो डिक्रीजिंग ही है ना, तो चांस लकी रहे क्या? एक्सट्रीम पॉइंट पे तुक्का भी अगर मारते कि एक बार इस पे निकाली, एक बार इस पे निकाली, जो कम थी वो मिनिमम और ज्यादा थी वो मैक्सिमम, लकी। हर बार नहीं होगा, बीच में ही आ गया, पहले कहां हुआ था? हमने तो ऑब्जर्व किया तब ऐसा कुछ आ गया, समझ गए ना? अब ऑब्जर्व करने के बाद भी आ जाए तो भी नहीं लिखेंगे, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लिखना तो है ही है ना, समझ गए ना? समझ आया? अरे भाई देख के लिखा है ये, सेवन बाई फोर आगे है वन से, तो कुछ बोलो तो सही। सही है, चलो अच्छा है। नेक्स्ट लिखो, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप लिखिए, अपने आप ही करना है आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन एंड फाइंड वेरिएशन ऑफ y
if x is element of 1 close to 4 close. And find variation of y if x is element of 1 close to 4 close. ये सही करना ही है. देखिए यार, ओपनिंग अपवर्ड होगा, आंख बंद करके मेरे को मालूम पड़ गया. नहीं, देखा मैंने ए का साइन तब मालूम पड़ा. ए पॉजिटिव है इसलिए ओपनिंग अपवर्ड होगा. ओके, और डी जो कि मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 16 माइनस 12 4 आ रहा है, तो ये दो जगह कट भी करेगा. ओके, कोई दिक्कत नहीं. अब मैंने एक्स भी निकालने की कोशिश की, एक्स भी कितना आया, 2/3. वाई भी कितना है, माइनस डी वाई फोर ए 1/12, और डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर 16 माइनस 12, तो ये 4 आया, 4 माइनस 1/3 आ रहा है क्या. वट एक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना आया है. ओके, अब ग्राफ बनाने में, सही ग्राफ बनाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा मैंने बना दिया, 0.1 बना दिया है. ठीक है, और वट एक्स कितना है, वर्टेक्स है मेरे पास, अरे वर्टेक्स गलत लिख दिया गया, 2/3 कॉमा माइनस 1/3, सही है, सही है. लेकिन इसे ऑब्जर्व किस में करना है, 1 से 4, तो 1 पे वैल्यू कितनी आई है यार, 0. तो अब इसे भूल गए हम, यहां से देखना शुरू किया 1 से, और 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 × 16 माइनस 16 प्लस 1, 2 × 16 में 32 प्लस 4.33 आ रहा है क्या. 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4.33 आ रही है, सही है कि नहीं है, 33 आ रहा है, 1 से 33 है, 0 से 33 आ रहा है. लेकिन यार 2/3 पे आ रही है ना वो वैल्यू, तो मेरा x तो 1 से 4 तक जा रहा है. इस चीज की अहमियत समझे ही नहीं अभी तक, मेरा x तो 1 से 4 तक जा रहा है भाई. मैं चाहता हूं कि ये लास्ट प्रॉब्लम हो, पिछली 4 प्रॉब्लम से मैं सोच रहा हूं कि ये लास्ट है, लेकिन क्या करूं मैं, है लोगों को कभी 1 दिखाई नहीं देता है, कभी छोटा दिखाई नहीं देता, कभी बड़ा दिखाई नहीं देता, बीच वाला दिखाई दे जाता है. समझ गए ना, समझ आ गया ना, ये परफेक्ट. ओके, ठीक.